Over the last 20 months, I have had more than a dozen occasions to take up with the Honorable Minister and the Foreign Ministry for return of people from my constituency and from Odisha, from various countries. The response from the Honorable Minister, her entire ministry, and all our ambassadors in this country has been outstanding. I thank the Honorable Minister for the personal interest she has taken. 13 लड़के एक जगह पे फंसे हुए थे सऊदी में, उनको स्लेव्स बना लिया गया था, उन मार पिटाई करके उनसे काम करवा रहे थे. 8 लड़के एक जगह थे, तो मैं इनके जो पीएस हैं, मैं उनसे मिला, उनके पासपोर्ट की, क्योंकि पासपोर्ट तो एजेंट रख लेते हैं, उनकी फोटोकॉपी मैंने दी. इमीडिएटली मेरे सामने उनके साथ कॉन्टेक्ट किया गया. 10 दिन में वो लड़के पंजाब वापस आ गए, और इस बात की मैं सराहना करता हूं कि इमीडिएटली एक्शन लिया गया. जो हमारे राजदूत हैं, उनका जो रवैया है एमपीज के प्रति, वो बहुत जिम्मेवार और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जवाब देते हैं. अक्सर उनसे बात होती रहती है, जब भी कभी हमें कोई दिक्कत आती है, हमें हमेशा पूरा सहयोग हमारे विदेश मंत्रालय से मिला है. एक डेड बॉडी आई है, मैंने मैडम 13 लोगों को वापस बुलाया है, और मैडम ने बहुत ही जल्दी उस पर एक्ट करके पंजाब का बहुत भला किया. मैडम थैंक यू. आप बहुत ही उत्कृष्ट इंग्लिश जानने समझने के बावजूद भी प्रश्न जिस तरीके से इंग्लिश में किया जाता है, और आप राष्ट्र के सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी में जवाब देते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. हिंदी जानने के बावजूद लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं. अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं जय पांडा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने कार्य की सराहना की है. बहुत बहुत धन्यवाद भगवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी.